देख सकते हैं पार पूरा सुनसान हो गया है, यहाँ पे कोई नहीं है वर्कर्स के अलावा, यहाँ पे हम लोग ही हैं, सबसे लास्ट हम ही हैं जो अभी घर के लिए निकल रहे हैं। तो चलो चलते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, शाम भी ढल रहा है और अभी निकले हैं घूमने के लिए, पता नहीं कब रिटर्न होंगे। तो देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जंगल में ऐसा कौन सा पार्क है, जो लोग नहीं आए प्लीज इस जगह जरूर आना, बहुत ही अच्छा जगह है। नेचर से चारों तरफ, और ये रास्ता नीचे का जो रास्ता देख रहे हैं वो सरफगढ़ डैम भी जाता है, और ऊपर हम लोग जहाँ जा रहे हैं उस तरफ भी डैम होते हुए जाता है। पर हम लोग डैम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं के हैं, मामा जी का घर यहीं है, तो हम लोग अक्सर डैम आते हैं, बहुत घूमते हैं डैम। ये पार्क भी मतलब नया नया खुला है और बहुत इम्प्रूव कर रहा है, लोग वहाँ घूमने के लिए आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं। तो हम लोग सोचे आज पार्क जाते हैं घूमने के लिए। रास्ता है सरफगढ़ डैम का, और हम लोग जा रहे हैं अभी बाड़ूनचरिया पार्क। पता नहीं पार्क खुला होगा या बंद भी हो गया होगा, क्योंकि लेट भी हो गया है बहुत, 5 बज गया है, और उनका टाइमिंग कितना बजे क्लोज होता है हमको तो नहीं पता। फिर भी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, और बंद होगा तो फिर रिटर्न हो जाएंगे, कितना दूर है। हम पहुंच गए हैं बाड़ूनचरिया पार्क, और यहाँ पे कुछ बैरिकेड लगा है, लोग भी खड़े हैं, पता नहीं क्या है, चलो पूछते हैं उन लोगों को। तो पता चला कि वहाँ पे गाड़ी का कुछ नंबर लिखते हैं और रसीद काटते हैं, तो इसलिए हम लोग वहीं पे उतर गए हैं। टिकट काउंटर, यहाँ पे अंदर जाने के लिए टिकट काटना पड़ता है, और एडल्ट के लिए पर पर्सन 20 रुपीज़, तो हम लोग वही काट रहे थे। और ये है बाड़ूनचरिया पार्क का फ्रंट गेट। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, और ये है मेरे फैमिली, सब लोग हाय बोलो, और कुछ ऐसे मस्ती मजाक चल रहा था तो सब लोग हंस रहे थे। तो ये है मेरे मौसा जी, मौसा जी हेलो बोलिए, और अब हम लोग चलते हैं अंदर। ये है कुछ एंट्रेंस ऐसा दिखेगा आपको अंदर आते ही, और साइड में बच्चों का खेलने का चीज़ है, और हम लोग अभी अंदर ही जस्ट एंटर किए हैं, और कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा, और एक छोटा सा मतलब गार्डनिंग किए हैं यहाँ पे, मतलब देख सकते हैं, और एक पेड़ है, पेड़ के चारों तरफ ऐसे कुछ डिजाइन किए हैं। पे बात चल रहा है नेटवर्क का, मतलब यहाँ पे नेटवर्क इशू है गाइस, यहाँ पे जान लो अगर आ रहे हो इस पार्क में तो कुछ नेटवर्क डाउन रहेगा, क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच है तो नेटवर्क प्रॉब्लम तो रहेगा ना। तो
अगर यहाँ अंदर आते हो तो पहले से ही कॉल कर लो किसी को, करना है, क्योंकि यहाँ अंदर आते ही नेटवर्क नहीं आएगा, पूरा जीरो नेटवर्क है इसके अंदर। और नहीं तो ये व्यू बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। बात यहाँ पे अगर नाइट स्टे करना चाहते तो यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, आप यहाँ पे रह भी सकते हैं, यहाँ पे लंच डिनर आपको सब मिल सकता है। तो बाकी का हिस्सा फिर कभी मैं दिखाऊंगी, अभी शाम ढलने को है और अभी हमको घर भी जाना है, तो इतना ही मैं दिखा सकती हूँ, हमको फ़ोटो भी खिंचवाना है, तो वीडियो पे बने रहिए। सब लोग अपने अपने गाड़ी में बैठ गए हैं, हम लोग ही हैं यहाँ और बाकी सब वर्कर्स लोग इधर उधर घूम रहे हैं। बाहर बहुत ठंड था इसीलिए दीदी अपना जैकेट पहन ली, और कोई नहीं लाया था जैकेट तो अपने मतलब दुपट्टा से ओढ़ लिए हैं। मैं अपना जैकेट लाई थी तो पहन ली अपना जैकेट, और मेरा सवारी का वेट की हूँ, वो लोग आ गए, अभी हम निकलेंगे एक साथ सब मिल के। तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर भी जाना है हमको, तो एक साथ मिलके जाएंगे हम। और ठंड तो बहुत बढ़ गया है यहाँ पे, मतलब जंगल एरिया है तो ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो देख सकते हैं पार्क पूरा सुनसान हो गया है, यहाँ पे कोई नहीं है वर्कर्स के अलावा, यहाँ पे हम लोग ही हैं, सबसे लास्ट हम ही हैं जो अभी घर के लिए